ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। प्रणाम मम्मी जान, प्रणाम भुआ सा, प्रणाम जीजी अंगा। आओ जोधा। जीजी अंगा, जोधा बेगम को खास खस का शरबत पिलाइए, उन्हें बहुत पसंद है। ये बात आपको कैसे पता मम्मी जान? आमेर में देखा था, रानी साहिबा हमेशा तुम्हें खस का शरबत ही पिलाया करती थी। जी, वैसे इस वक्त आपने हमें क्यों बुलाया? कोई विशिष्ट बात है? हाँ, हमने सोचा क्यों ना आज तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए। जी, हम समझे नहीं। समझना क्या है, आओ बैठो। तुम जलाल की बेगम हो, खास हो, इसके लिए खास समझ होनी चाहिए। उसी का इम्तिहान लेना चाहते हैं हम कि जलाल ने आज जो दीवाने खास में किया उसके बारे में तुम्हारा क्या फैसला है। धन्यवाद। जलाल ने जो फैसला लिया, बट इस फैसले पर तुम्हारा क्या फैसला है? ये सवाल तुम्हारा इम्तिहान है और जवाब इसका नतीजा। शहंशाह ने जो निर्णय लिया वो धर्म की सीमा में था, इसलिए उचित था। धर्म की सीमा को तोड़कर राजनीति में उतरने वालों के विरुद्ध लिया, इसलिए भी उचित था। और उन्होंने जो भी तर्क प्रस्तुत किए वो भी उचित थे। फिर गलत क्या था? शहंशाह का निर्णय लेने का तरीका गलत था। वैसे तो शहंशाह अपना निर्णय लेने से पहले दरबार के विशिष्ट लोगों से सलाह लेते हैं। शहंशाह और सल्तनत के हित के बारे में सोचने वाले आज भी बहुत सारे लोग दरबार में उपस्थित थे। आप थी, बुआ सा थी, जीजी अंगा थी, यहाँ तक कि जिसे शहंशाह अपने पिता समान मानते हैं, माननीय अटका जी भी उपस्थित थे। परंतु शहंशाह ने किसी से भी विचार विमर्श करना, किसी की भी सलाह लेना उचित नहीं समझा। ये बात हमें अनुचित लगी। चलिए, आज तो शहंशाह का निर्णय सही रहा, न्याय के पक्ष में था। परंतु यदि ये निर्णय उनका गलत होता तो प्रजा तक ये संदेश जाता कि बादशाह निरंकुश है, वो अपनी मनमानी करते हैं, बड़ों का आदर नहीं करते हैं और ये बात उनके हित में नहीं होती। इसलिए हमारी समझ से शहंशाह का निर्णय उचित भी था और अनुचित भी। सुभान अल्लाह, इस बारे में तो हमने गौर ही नहीं किया। जैसी उम्मीद थी वैसा ही जवाब दिया है तुमने जोधा बेटा। बेशक, आप बहुत समझदार हैं जोधा बेगम। तो फिर हम अपने आप को आपकी इस परीक्षा में उत्तीर्ण समझे? बेशक। प्रणाम रुकैया बेगम। सलाम बेगम जोधा, कैसी हैं आप? खैरियत पूछ रही हैं या फिर ये जानना चाहती हैं कि कल शहंशाह की पूरी रात आपके साथ बिताने पर हमें बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं रुकैया बेगम, हमें ये बात नहीं जाननी है। मगर हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं जोधा बेगम, कि शहंशाह की कल की रात हमारे नाम थी जिस पर आपने दस्तखत कर दिए। बेगम जोधा, हक जताना अलग बात होती है और हक छीनना अलग बात। वैसे भी शहंशाह ने आपके साथ एक ही तो रात गुजारी है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि एक से अधिक रात उन्होंने हमारे साथ बिताई हो तब आपको बुरा लगेगा? कदाचित रुकैया बेगम आपको ज्ञात नहीं है कि शहंशाह ने आमेर में हर रात हमारे साथ बिताई है। और आमेर में क्यों, आगरा से आमेर और आमेर से आगरा की यात्रा में भी हर रात वो हमारे साथ हमारे खेमे में थे, आपको पता नहीं है? वाकई साथ भी थे और कभी कभी बेहद पास भी, है ना? रुकैया बेगम, हम नफरत करते हैं शहंशाह से, नहीं रहना हमें उनके साथ, घिन आती है हमें। अगर शहंशाह पर आपकी बातों का असर होता है तो कह दीजिए उनसे कि वो हमें देखे तक नहीं, नफरत करते हैं हम उनसे।
तौबा तौबा तौबा, कितना कुछ बोला था आपने, कितना गुरूर था ना अपने अनछुए रहने का, कितना तंज था आपकी बातों में, और अब एक रात ने जो बोला सुना सब धुआं हो गया। उस एक तूफान की रात ने आपके तंजो रंज को तहस नहस कर दिया। तो बताइए ना जोधा बेगम, हम जानना चाहते हैं कि कहां गई थी आपकी वो नफरत जब शहंशाह ने आपको पहली बार छुआ था और छूने से ज्यादा कुछ किया था। रुकैया बेगम, हम तो अभी तक समझते थे कि शहंशाह आपको अपनी हर बात बताते हैं, क्योंकि ना तो आप उनकी सबसे खास बेगम हैं, बल्कि सबसे घनिष्ठ सखी भी हैं, है ना? और इसलिए अभी आपने जो हमारा उपहास बनाया, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। बुरा हमें इस बात का लगा कि आपको सत्य का ज्ञान कैसे नहीं है, आपको शहंशाह ने अभी तक कैसे नहीं बताया कि उन्होंने हमारे साथ उस रात को किया क्या था। ओह, तो फिर से उस रात को याद करने की ख्वाहिश है, तो आप ही बता दीजिए ना कि जलाल ने आपके साथ क्या क्या किया था। मान रखा हमारी इच्छा का और अपने दिए हुए वचन का, और ऐसा कुछ भी नहीं किया जो आप सोच रही हैं। हमारे और शहंशाह के मध्य में जो कुछ भी हुआ वो हमें तो अच्छे से ज्ञात है रुकैया बेगम, परंतु हमें आश्चर्य इस बात का है कि आपको नहीं पता। और वैसे भी रात साथ में बिताना और पास रहकर बिताना से कोई अंतर नहीं पड़ता है। हमें इतना विश्वास है कि जब तक हम नहीं चाहेंगे, शहंशाह चाहे हमारे पास रहे या साथ रहे, वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। और रही बात आपके अधिकारों को छीनने की, तो कल रात हमने शहंशाह को अपने पास नहीं रोका था, हम अपनी इच्छा से हमारे पास रुके थे। और सच कह रहे हैं, यदि हमें ज्ञात होता कि कल रात को उन्हें आपके कक्ष में आना है, तो हम स्वयं उन्हें आपके पास भेजते। क्योंकि अब भी ना तो हमें उनके साथ रात बिताने की कोई इच्छा है और ना ही उन्हें आपसे छीनने की कोई मंशा। सलाम बेगम साहिबा, शहंशाह ने आपको खेल के कमरे में याद फरमाया है। उनसे कह दीजिए कि अभी हम थके हुए विश्राम करना चाहते हैं। जोधा, ये क्या किया? शहंशाह से मिलने से मना कर दिया, वो भी तब जब शहंशाह ने स्वयं तुम्हें संदेशा भेजा। मोती, हमने जो कुछ भी किया है सोच समझ कर ही किया। यदि ऐसा है तो तुम्हारी सोच अनुचित है। पति यदि पत्नी का साथ चाहे तो पत्नी को उसके पास जाना चाहिए, यही धर्म है। परंतु एक पत्नी दूसरी पत्नी का अधिकार छीने, ये धर्म नहीं। मोती, हमें शहंशाह के पास जाने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु किसी और को है। किसको? रुकैया बेगम को। होशियार, शहंशाह हिंद बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। जोधा बेगम, हमने आपके लिए पैगाम भिजवाया था, आपने आने से मना कर दिया। हम बहुत थक गए थे इसलिए विश्राम करना चाहते थे। तो आराम का बहाना बनाकर आपने हमारे पैगाम को डाल दिया। फिर वही बात, तेरी सोचो तेरी बात। अब क्या रात्रि के समय हम विश्राम भी नहीं कर सकते हैं? बेशक कर सकते हैं, लेकिन हम बस आपके साथ थोड़ी देर खेल खेलना चाहते हैं। अगर कोई हमारे पैगाम को इस तरह से इनकार करते तो ये हम सह नहीं सकते। क्यों, क्या ये आवश्यक है कि जब भी आप हमें बुलाएं उसी समय हम उपस्थित हो जाएं आपके सामने? नहीं जोधा बेगम, ये कायदा है। फिर बेगम और दासी में अंतर क्या रह जाएगा शहंशाह? और दूसरी बात, आपने हमें खेल के कक्ष में बुलाया था और वहाँ पर आप बचपन से लेकर आज तक रुकैया बेगम के साथ खेलते आए हैं, इसलिए यदि आप दोनों साथ में खेलेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। और वैसे भी हम रुकैया बेगम का हक नहीं छीनना चाहते। तो इसका मतलब यह है कि रुकैया बेगम ने अपनी नाराजगी आपसे जाहिर कर दी है? जी, हम इस विषय में आपको कुछ नहीं कहना चाहते। देखिए जोधा बेगम, अगर आप नहीं कहेंगे तब भी हम समझ गए, लेकिन एक बात जान दीजिए, आप हमारे साथ खेल खेलने से आप कभी भी रुकैया बेगम की जगह नहीं ले सकती हैं, ये आपकी गलतफहमी होगी।
कोई भी रुकैया बेगम की जगह नहीं ले सकता है। हम जानते हैं शहंशाह इस बात को, और हम तो चाहते हैं कि आप ये बात स्वयं रुकैया बेगम को जाकर बताइए, उन्हें अच्छा लगेगा। और बताइए, और क्या कहा रुकैया बेगम ने आपको? हमारे मध्य में जो कुछ भी बातें हुई हैं, वो हम आपको नहीं बता सकते। बहरहाल, अगर एक शहंशाह आपको खेलने का हुक्म दे, तब क्या कहेंगे आप? तो फिर शहंशाह की आज्ञा ना मानने के लिए आप जो भी दंड हमें देना चाहे दे सकते हैं, हमें स्वीकार है। मतलब आप सजा भुगतने को तैयार हैं? ठीक है, एक सजा आपने हमें सुनाई थी आमेर में, तो एक सजा हम आपको सुनाते हैं। तो क्या दंड है हमारा? सोच लीजिए जोधा बेगम, क्योंकि अगर आप मुकर गई तो ये तौहीन होगी एक राजवंशी रानी की जुबान की। देखिए, दंड के नाम पर आप कुछ ऐसा मत मांग बैठिएगा जो हम दे ना पाए। आप फिक्र मत करिए जोधा बेगम, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपको ठेस पहुंचे। लेकिन क्या बात है, मतलब सजा भी आप मुकर्रर करेंगी। जोधा बेगम, आप गाना अच्छा गाती हैं, हम चाहते हैं कि आप अभी इसी वक्त हमारे लिए गाना गाएं। गाना सुनने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। गाना इस समय? क्यों, जब आप गुनाह इस वक्त कर सकती हैं तो सजा इस वक्त क्यों नहीं भुगत सकती है? परंतु हम जोधा बेगम, एक शहंशाह होने के बावजूद हमने आपकी सजा को मंजूर किया था, तो क्या आप इतना सभी नहीं कर सकते? जाइए। बेगम नहीं, मल्लिका, हुनर की मल्लिका। शबा खैर जोधा बेगम।
क्या बात है अदगा साहब, ऐसी क्या बात हो गई कि आप हमारे दीवाने खास तक आने का इंतजार नहीं कर सकते? आपसे कोई मिलना चाहता है हुजूर, और बात ही कुछ ऐसी है कि सबके सामने नहीं कही जा सकती है। ठीक है, बुलाइए। आदाब शहंशाह, फरमाइए। सब खैरियत? सब खैरियत नहीं है, एक बुरी खबर है आपके बहनोई के बारे में। कौन, शरफुद्दीन? जी नहीं, खबर आपके दूसरे बहनोई अबुल माली के बारे में है। अबुल माली, जिनका निकाह आपकी सौतेली बहन फखरुन्निसा के साथ हुआ था, शाह हुमायूं की दूसरी बेगम, महासूचक के दामाद? हाँ वही अबुल माली। सुना है बहुत काबिल सिपाही हैं वो तो, और बहुत ऊंचे ख्वाब भी देखते हैं। शहंशाह ये पक्की खबर है, अबुल माली आगरा पे हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या, शहंशाह के रिश्तेदार होते हुए भी? इसी बात का तो फायदा उठाना चाहते हैं। शहंशाह ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि अबुल माली आगरा पर हमला करेंगे, और अबुल माली ने भी कभी ख्वाब में नहीं सोचा होगा कि इसके हमला करने से पहले ही हम इसे तबाह कर देंगे। अदगा साहब, आप शाहबुद्दीन और बहादुर खान सब काबिल सिपहसालार हैं, आप सब जाएं, उसके हमला करने से पहले ही उसे तबाह करते हैं। आपके हुक्म की तामील होगी शहंशाह। अबुल माली, इन जैसे लोगों की कभी फितरत नहीं बदलती, लेकिन अब हम इनकी किस्मत ही बदल देंगे। रात को जो दंड दिया था आपने हमें, वो कम पड़ गया था जो आज सुबह फिर से आपको हमारी याद आ गई? हम मानते हैं कि जोधा बेगम आप अच्छा गाना गाती हैं, लेकिन हम इतनी भिखारी नहीं कि सुबह सुबह ही आपका गाना सुनने आ जाएंगे। वो तो कल रात हमारी एक कोई खास चीज यहाँ छूट गई थी, उसे ढूंढते ढूंढते ही यहाँ आए। ये रही, मिल गई, मिल गई। वैसे कमाल की बात है ना जोधा बेगम, एक ही कमरे में दो दो छुरियों के होते हुए किसी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। पढ़ने का बहुत शौक रखती हैं ना आप, कभी सलीमा बेगम की दी हुई किताब पढ़ती हैं, कभी कुछ और, कभी ये श्रीमद् भागवत गीता। पर हमें उम्मीद है कि इसे भी आपने उसी तरह याद कर लिया होगा जिस तरह रहीम की सुनाई हुई आयत। वैसे हम रहीम से ज्यादा जानते हैं जोधा बेगम, किसी दिन फरसत से आपको सिखाएंगे। हम किसी का ऋण अपने ऊपर नहीं रखते, आपको भी बदले में हम गीता के श्लोक याद करवा देंगे। बेहतर। देवा, कान्हा जी के फूल नहीं लाई तुम अभी तक? हमेशा तुम्हें स्मरण करवाना पड़ता है। हरे मोती, ये सब क्या हो रहा है? तुम सभी थाले वहां रखो, अब जाओ। मोती, हमने तुमसे कुछ पूछा है, उसका उत्तर दो। हमारी प्यारी सखी, आगरा में आकर तुम भुलक्कड़ हो सकती हो, परंतु हमारी स्मरण शक्ति अब भी दुरुस्त है। आज तुम्हारा जन्मदिन है, आज के दिन आमिर में आज का दिन कितने धूमधाम से मनाया जाता है ना। भरी आगरा है, आमिर नहीं तो क्या हुआ? दिन तो नहीं बदला, तुम नहीं बदली। आमिर में आज के दिन का रंग ही कुछ और था। तुला दान होता, निर्धनों को धन बांटा जाता, नृत्य और संगीत होता। काश ये सब यहाँ पर भी हो पाता। जोधा, मोती आहिस्ता बोलो, हमने चाहते कि हमारे जन्मदिन के विषय में शहंशाह को ज्ञात हो। वैसे ही आमिर से आने में कितना कुछ घट चुका है, और हमारे कारण शहंशाह के विरुद्ध मौलवी भी हो गए, और ऐसे में तुम्हें हमारे जन्मदिन मनाने की सूझ रही है। वैसे मंदिर जाने में इतना सारा बखेड़ा खड़ा हो गया, और अब जन्मदिन के कारण बात बिगड़ गई तो? परंतु जोधा, हम नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना। तुम हमें वचन दो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। दो वचन? अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा, हम किसी को नहीं बताएंगे। परंतु हम तो अपनी प्रसन्नता के लिए तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं ना। बहुत हटी हो तुम, बिल्कुल नहीं मानती ना। ठीक, यदि बात तुम्हारी प्रसन्नता की है तो मान लेते हैं। रहीम, कहाँ भागे जा रहे हो? क्या वो नाराज है आप हमसे, जो आप हमें
सलाम भी नहीं कर रहे हैं? गुस्ताखी माफ शहंशाह, मगर हमारे पास वक्त नहीं है, बहुत कुछ करना है। ऐसा क्या करना है आपको, हमें बताइए, शायद हम आपकी मदद कर पाएंगे। नहीं नहीं, आप मदद नहीं कर सकते, क्योंकि आप छोटी अम्मी जान के इतने अजीज नहीं है जितना कि हम, और उनके अजीज उनकी सालगिरह के लिए कुछ कर सकते हैं और उन्हें तोहफा दे सकते हैं। तो जोधा बेगम की सालगिरह है। हाँ, मगर वो नहीं जाती, किसी को भी मालूम चले, हमें भी नहीं बताया था, हम तो वहाँ खेल रहे थे तो हमने सुन लिया। अब हम जाए, हमें सोचना है कि छोटी अम्मी जान के लिए ऐसा क्या करे कि वो खुश हो जाए। खुदा हाफिज। और हाँ, किसी को मत बताना, छोटी अम्मी जान ने मोती बाई को यही कहा था। ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे। खुदा हाफिज। तो जोधा बेगम की सालगिरह है।